बैठक महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति कर्मचारी संगठन की कर्मचारियों को पिछले 18 महीने का मानधन नहीं दिया गया है। इसी के साथ विविध मांगों को लेकर आईटक संगठन के नेतृत्व में देशव्यापी हड़ताल पुकारा। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान अंतर्गत ग्रामीण इलाके में 2014 से गांव में महिला बचत गट स्थापन करना, उन्हें रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, बैंकों की ओर से कर्ज उपलब्ध करा देना, विविध योजना की जानकारी देना, उनकी ओर से बैठक लेकर मार्गदर्शन करना, प्रत्येक महीने को पंचायत समिति में अचूक अहवाल पेश करना आदि अनेक काम काफी कम मासिक 3,000 रूपए मानधन में समुदाय संसाधन व्यक्ति के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पिछले 18 महीनों से मानधन नहीं दिया गया, तभी उनके सामने उदर निर्वाह का अहम सवाल खड़ा है। निवेदन देकर भी शासन प्रशासन उनकी मांगों की ओर अनदेखी कर रहा है, यह गंभीर बात है। तभी उनका बकाया मानधन जल्द दिया जाए और अन्य प्रलंबित मांगों को लेकर आईटक संगठन के नेतृत्व में देशव्यापी हड़ताल पुकारा गया। जिला परिषद कार्यालय के सामने विशाल धरना आंदोलन कर्मचारियों ने किया। इस दौरान न्यायिक मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी कर विरोध दर्शाया गया, जिनमें ICRP महिला कर्मचारियों को न्यूनतम 21,000 रूपए वेतन दिया जाए, ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान कायम स्वरूपी चलाने का जाहिर करें, उन्हें शासन द्वारा बीमा खर्च लागू किया जाए, ICRP कर्मचारियों को मासिक मीटिंग का 500 रूपए भत्ता दिया जाए, ICRP कर्मचारियों को तहसील स्तर से वैयक्तिक ऋतु आदेश दिया जाए, ICRP कर्मचारियों को उम्र के 60 वर्ष के बाद मासिक 10,000 रूपए पेंशन का कायदा करे आदि मांगों का समावेश है। देशातील आयटक सह 10 केंद्रीय ज्या ट्रेड युनियन आहेत, या देशामध्ये कोटीच्या घरामध्ये योजना कर्मचारी आहेत, ज्याच्यामध्ये आशा वर्कर असतील, गटपोर्तक असतील, अंगणवाडी कर्मचारी, मदतनीस असतील, शालेय पोषण कर्मचारी असतील, ज्या उमेद अंतर्गत ज्या काम करणारे ICRP कर्मचारी असतील, परंतु या तमाम कर्मचाऱ्यांना गेले 40 वर्ष झाले, आज तक त्यांना परमानंट केले नाही, शासकीय सेवेचा दर्जा दिला गेलेला नाही, आजही त्यांना अत्यल्प मोबदल्यामध्ये राबवून घेतलं जातं, आणि म्हणून आज 24 तारीख या मोदी सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आणि या तमाम योजना कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, त्यांना 10,000 पेन्शन मिळावं म्हणून आज देशभर हे योजना कर्मचारी एक दिवस संपावर आहेत, आणि त्या अनुषंगाने आयटकच्या नेतृत्वामध्ये आज आपण पाहता येते मोठ्या संख्येमध्ये अंगणवाडी बालवाडी सेविका मदतनीस शालेय पोषण कर्मचारी आशा गटपोर्तक कर्मचारी उमेद अंतर्गत काम करणारे ICRP महिला असे अनेक जे योजना कर्मचारी आहेत इथे येऊन आयटकच्या नेतृत्वामध्ये या जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर विराट धरणे आंदोलन करून या धरणे आंदोलनाच्या प्रसंगातून या मोदी सरकारला सांगू इच्छितात, जर आम्हाला जर शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा दिला नाही किंवा जगण्याइतकं वेतन जर दिलं झालं नाही तर भविष्य काळामध्ये तीव्र लढाई केल्याशिवाय राहणार नाही, असं मी आजच्या या धरणे आंदोलनापासून या मोदी सरकारला इशारा देऊ इच्छितो।